हेलो दोस्तों, मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट मैंडेटरी कमेटीज जो कि कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर के अंदर मेंशन है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी हमारी कमेटीज होती है सबसे पहले ये जान लेते हैं। ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी एंड विजिल मैकेनिज्म। तो दीज आर द कमेटीज अंडर कंपनीज एक्ट। और कुछ कमेटीज और भी होती हैं जैसे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये रेगुलेशन 21 के अंदर लिखा हुआ है, सेबी एलओडीआर के अंदर। बाकी सारी सेम कमेटीज हैं। तो इन कमेटीज के बारे में हम वन 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 बाय वन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। इनके रोल, इनकी एप्लीकेबिलिटी, किस किस कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ऑडिट कमेटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑडिट कमेटी किसको कंस्टिट्यूट करनी रहती है। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अप्लाइज टू ऑल लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करने की जरूरत कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद है, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी है, और आपका पेड अप कैपिटल जो है 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, 10 करोड़ भी अगर है तब भी आपको कंस्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। और अगर आपका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन और डिबेंचर और डिपॉजिट अगर 50 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 50 करोड़ होगा तो नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा है अगर कोई आपका लोन या डिबेंचर या आपका डिपॉजिट जो है आउटस्टैंडिंग, वो अगर आपका 50 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना कंपलसरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपके क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा कमेटी का, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आपके होने चाहिए एज पर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे होंगे, मेजोरिटी में। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, बट मेजोरिटी में होंगे। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके 6 डायरेक्टर हैं तो 6 में से 4 डायरेक्टर जो है आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ऐसे ही ऑडिट कमेटी एज पर रेगुलेशन 18 में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, तो मिनिमम 3 डायरेक्टर यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन 2/3 ऑफ द मेंबर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कम से कम 2/3 आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, 2/3, ठीक है। और चेयरपर्सन शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मस्ट बी प्रेजेंट एट एजीएम, और एजीएम में होगा टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरी, ठीक है। और कंपनी सेक्रेटरी शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पे सेक्रेटरी होगा किसका, कमेटी का, ठीक है। और उसके बाद कहता है मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी इंक्लूड्स इट्स चेयरपर्सन शैल पर्सन विद द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो चेयरपर्सन होगा और जो बाकी कमेटी मेंबर्स होंगे उनको क्या आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे ही सेम आपके एलओडीआर के अंदर भी लिखा हुआ है कि ऑल मेंबर शैल फाइनेंशियली लिटरेट। फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब हुआ कि एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन इन द कमेटी। अगर अदर पर्सन कौन आपके प्रेजेंट रह सकते हैं, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑडिटर्स भी आप प्रेजेंट रह सकते हैं, और केएमपी मतलब जैसे सीएफओ हो गया, और आपके कंपनी सेक्रेटरी हो गया, तो ये भी आपके प्रेजेंट रह सकते हैं, बट उनको वोट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और ऑडिटर कब रह सकता है, जब कमेटी के अंदर कंसीडर किया जा रहा है ऑडिट रिपोर्ट, तो उस टाइम पे हमको ऑडिटर ऑडिट कमेटी के अंदर होना चाहिए प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटिंग, ये आपके एलओडीआर में मेंशन है, एटलीस्ट 4 मीटिंग मस्ट बी हेल्ड इन अ ईयर, कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए, और मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग मस्ट नॉट एक्सीड 120 डेज, ठीक है। दो मीटिंग्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 120 दिन का, ठीक है। जैसे सेम बोर्ड मीटिंग जैसे होती है, वैसे ही सेम कमेटी मीटिंग्स का, ऑडिट कमेटी मीटिंग्स के बारे में भी लिखा हुआ है किसके अंदर, एलओडीआर के अंदर, ये आपके कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ। अब बात कर लेते हैं डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट। डिस्क्लोजर क्या जाएगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, एक तो कंपोजिशन जाएगी कि भाई ऑडिट कमेटी ने की कंपोजिशन ये है, ठीक है। कितने डायरेक्टर कंस्टिट्यूट किए, कितने डायरेक्टर आपके ऑडिट कमेटी में है और कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये भी आपको मेंशन करना रहेगा। इन केस बोर्ड हैड नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन, कोई ऐसा रिकमेंडेशन जो ऑडिट कमेटी ने दिया था, सेम शैल बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रीजन, जो भी रीजन रहता है वो आपको मेंशन करना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स
ऑडिट कमेटी जो है आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल थी, लेकिन आपने ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट नहीं करी, तो कंपनी एक्ट के अंदर भी पेनल्टी आपको लगाई जा सकती है, और अगर आपकी लिस्टेड एंटिटी है तो पर डे के हिसाब से भी नॉन कंप्लायंस का आपको फाइन पे करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऑडिट कमेटी हमने बना ली, ऑडिट कमेटी काम क्या करेगी और मेजर उसके क्या रोल रहेंगे ऑडिट कमेटी के, तो चलिए एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। तो रोल ऑफ रिव्यू, क्या रिव्यू करेगी ऑडिट कमेटी? रिव्यू क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस को रिव्यू करेगी, परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगी, और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेचुरी एंड इंटरनल ऑडिटर के परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करेगी। फंक्शनिंग ऑफ द विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को रिव्यू करने करने का काम कौन करेगा? ऑडिट कमेटी करेगी। ठीक है, अप्रूवल किस किस की लेगी वो? एक तो अप्रूवल ऑफ आरपीटी, जो भी आरपीटी होगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होगी, या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन होता है आरपीटी के अंदर, तो उसकी अप्रूवल कौन लेगा? आपका ऑडिट कमेटी सबसे पहले अप्रूवल लेगी। पेमेंट ऑफ स्टेचुरी ऑडिटर्स, स्टेचुरी ऑडिटर से भी वो पेमेंट, जो भी पेमेंट देना होता है उसकी भी कौन अप्रूवल लेगा? ऑडिट कमेटी। रिकमेंडेशन करती है, जैसे कि अगर ऑडिटर अपॉइंट करना है या उसका रेम्यूनेशन देना है तो उसका रिकमेंडेशन कौन देता है? ऑडिट कमेटी। कुछ और काम भी होते हैं, जैसे कि आपका स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लॉन्स, इंटर कॉर्पोरेट लॉन देना है तो उसके लिए भी अप्रूवल और उसकी रिकमेंडेशन जो है ऑडिट कमेटी ही देती है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स, ठीक है, इसका काम भी कौन करवाता है? ऑडिट कमेटी करवाती है, उसकी रिकमेंडेशन देती है, उसके ऊपर डिस्कशन करती है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो दीज आर द सम अदर रोल्स ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, हम आगे की वीडियोस के अंदर बाकी की जो कमेटीज जो बच गई हैं उन कमेटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।